स्वागत करते हैं गाइज हम आपको सम्राट रेलवे पे। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताएंगे कि स्लैब कितने प्रकार की होती है। स्लैब दो प्रकार की होती है मेनली, एक होती है वन वे स्लैब, एक होती है टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई से दोगुने से अधिक हो उसे हम वन वे स्लैब कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल लंबाई इसकी 56 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 16 फीट है, यानी दोगुने से अधिक है। तो इसे हम वन वे स्लैब कहेंगे। और इसमें जो बार डालेंगे वो एक तो मेन बार होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटरी बार होती है। तो इसके जो मेन बार होगी वह थोड़ा थिक होगी और जो डिस्ट्रीब्यूटरी बार होगी वो थोड़ा थिन होगी। थिन मतलब पतली होगी। तो इसके जो चौड़ाई की दिशा में डालेंगे वह मेन बार डालेंगे और जो लंबाई की दिशा में डालेंगे वह डिस्ट्रीब्यूटरी बार डालेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम इसको एक बेंड अप करते हैं, जहाँ जहाँ दीवार है वहाँ पे हम इसको बेंड करते हैं। तो बेंड कितने पे करते हैं, चूँकि देखिए ये रूम है, यहाँ से ले करके यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से लेकर वहाँ, अब बीच में यहाँ पे हम एक टी बीम डाले हैं। इसे गांव में देहाती भाषा में लटक बीम बोला जाता है। ये एक टी बीम है। अब ये टी बीम है तो यहाँ पे हम बेंड अप किए हैं। तो चूँकि इसके सेंटर से, इस टी बीम के सेंटर से और उस दीवाल, देखिए यहाँ पे दीवाल है, इस दीवाल के सेंटर से ये लंबाई नाप ली जाएगी और ये लंबाई जितनी आएगी उसके यल बाई 10, मतलब जितनी आएगी उसको 10 से भाग करके और यहाँ से हम बेंड अप कर देंगे। तो जितनी आई उसके यल बाई 10 से, मतलब यल बाई 10 से भाग करके यहाँ से हम बेंड अप कर देंगे। सेम वैसे ही जो जो किनारे हैं, जैसे यहाँ दीवार है यल बाई 10 पे हो गया, सेम ऐसे ही इधर दीवार है यल बाई 10 पे हो गया। चूँकि फिर यहाँ पे वहाँ पे हम लटक बीम दिए हैं तो यल बाई 10 पे हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पे दीवार है तो यल बाई 10 पे, फिर बीच में गैलरी है, फिर साइड में दीवार है, तो वैसे यल बाई 10 पे कर दिया गया है। अब चूँकि आप लोग थोड़ा ये बात से कंफ्यूज होंगे कि मेन बार कौन है और डिस्ट्रीब्यूटरी बार कौन है, देखिए चूँकि गाइड हम डायग्राम रखे हैं वन वे स्लैब का, देख रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे एक मेन बार है, ठीक, और एक डिस्ट्रीब्यूटरी बार है। तो इसी को देखिए, ये जो डॉटेड है ना, इसको एक को सीधा जाता है और एक को क्या करते हैं, बेंड करते हैं। ये नहीं कि दोनों बेंड कर देंगे। जैसे आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए उस चीज़ को दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक दो तीन बार आई है ना, तो तीन बार मैंने छड़िया, तो तीन बार है, इसमें से एक बार बेंड अप है, दूसरी बार चूँकि सीधे चली गई है, फिर इसके एकांतर क्रम में हम क्या करते हैं, बेंड अप करते हैं। तो ये तो कंसेप्ट यहाँ का समझ गए कि ये डॉटेड वाला कैसे है। अब बात करते हैं कि यहाँ का मेन बार कौन है और डिस्ट्रीब्यूटरी बार कौन है। तो जो ये लंबाई की दिशा में पड़ी है, ये जितनी नीचे वाली जो है, ये जो जितनी पड़ी है, ये सब कौन सा है, मेन बार है, और जो इधर वाली है वो डिस्ट्रीब्यूटरी बार है। चूँकि इन लोगों को मेन बार 10 mm छड़िया का डालना चाहिए, लेकिन ये क्या किए हैं, अपनी मेहनत कम करने के लिए या कन्फ्यूज न होने के लिए दोनों बार 10 mm का ही डाल दिए। चूँकि एक 10 mm और एक 8 mm का होना चाहिए, इससे जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जिनकी मकान बनती है उनका नुकसान होता है। लास्ट दीवार का पोर्शन है ना, और इसके आगे हमारी दीवार नहीं है। चूँकि इसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं कि बर्जा निकला गया है, क्या है ये बर्जा। तो ये बर्जा पे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डाली गई है, ये है लटक बीम, ठीक है। इसे आप लोग इंजीनियरिंग भाषा में कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो कैंटिलीवर बीम में नीछे क्या होती है, नीचे छड़िया की बहुत कम ही आवश्यकता होती है, ठीक। तो इसके ऊपर मेन बार और नीचे डिस्ट्रीब्यूटरी बार भी चलेगी तो सही है। तो इसी तरह देखिए, ये लोग थोड़ा सा अच्छा किए, मतलब ये लोग जो भी हैं थोड़ा इंजीनियरिंग जानते हैं, तभी देखिए एक दो तीन, यानी तीन बार ऊपर डाले हैं और दो बार नीचे डाले हैं। चूँकि यहाँ कैंटिलीवर बीम का काम करेगा, यानी जो ये मुड़ेगा ना तो ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, ऐसे मुड़ेगा तो इसी पे ज़्यादा बल रहेगा, इसीलिए इसके नीचे छड़िया देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दो देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये जो स्टीरअप है, स्टीरअप को बांधने के लिए तो दो चाहिए ना। तो ये जो ये पतला है ना, तो ये लोग ये करते हैं कि ये दोनों पतला नीचे डाल देते हैं, जो 12 mm की छड़िया है वो ऊपर डाल देते हैं। अब एक बात और हम आपसे कर रहे हैं, ये जो स्टीरअप है, स्टीरअप की डिस्टेंस कितनी होती है, तो स्टीरअप की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 6
इंच रखते हैं ये लोग, यानी आप लोग लगभग 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया लटक बीम। अब देखिएगा ये पड़ा है आपकी, ये एक ए रूम है और एक ए रूम है, क्योंकि इसमें नीचे दीवार नहीं है, दीवार होती तो लटक बीम यानी टी बीम जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर टी बीम डाली गई है, देख रहे हैं ना गाइस। तो यहाँ पर जो टी बीम है, तो यहाँ पे देखिए 12 mm की छड़िया है, चूँकि इसके नीचे 10 mm की भी छड़िया होती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऊपर ही इस पर लोड आएगा, चूँकि ये स्टीरअप देखिए इनको 6 इंच की दूरी पे डालना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें कि ये दीवार के साइड में स्टीरअप की दूरी और कम कर दिया थी, यानी 4 इंच कर देते और बीच में 8 इंच कर देते तो इंजीनियरिंग के हिसाब से नंबर 1 होता, लेकिन ये लगभग में गाँव भाषा में 6 इंच चलता है। ये रही कि जो लंबाई के अनुदिश है वो मेन बार है, तो जो मेन बार है यानी ये सब मेन बार डाली गई है ऐसे, तो जो मेन बार की दूरी होती है सेंटर से सेंटर 6 इंच रखी जाती है, तो ये लोग तो 6 इंच डाले हैं, इसमें कोई बात नहीं है, मेन बार 10 mm की छड़िया डाले हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार इसके जो पड़ा है वो 8 mm की रहनी चाहिए, ठीक। लेकिन इसकी जो सेंटर से सेंटर दूरी है आप 6 न रख के 8 रखे होते, लेकिन ये लोग 6 ही रख दिए हैं, 8 रखना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसी थोड़ा अधिक रहनी चाहिए, नहीं तो जो बीम होती है वो तीन, चूँकि छत होती है वो 3 प्रकार की बनती है, ठीक है। प्री स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेंथ में है, यानी कंक्रीट में ज़्यादा मजबूत है कि इसमें छड़िया में ज़्यादा मजबूत है, तो हमेशा जो छत बनाई जाती है वो कंक्रीट में मजबूत बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है कि छड़िया में कमजोर रहेगा तो नीचे जब क्रैक पड़ेगी तो पता चल जाएगा, तो मेंटेनेंस कराया जा सकता है, जब कंक्रीट में क्रैक पड़ेगी तो वो कंक्रीट टूट टूट के नीचे गिरने लगेगा, यही सबसे बड़ा डिमेरिट होती है छत की, जो ये गांव वाले लोग होते हैं ये ज़्यादा। देखिएगा ये जो सामने आपको दिख रहा है ये छत की डिजाइन है, इसे हम मोल्डिंग बोलते हैं, ये मोल्डिंग ऐसे खसका काट के बनाया गया है, मोल्डिंग बहुत ही शानदार बनी है, और यहाँ पे छड़िया डाला गया है क्योंकि कैंटिलीवर बीम के काम करेगा, तो यहाँ पे तो छड़िया थोड़ा अधिक रहेगा ही, लेकिन ऊपर डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में नहीं। देखिए जो डाली गई है, चूँकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड से है, सिविल इंजीनियरिंग के इसमें उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा जो एडवांस सिविल इंजीनियर होते हैं इसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। देखिए ये आपका चूँकि बीच में है, वहाँ से लेकर मतलब वो टी बीम से लेकर यहाँ दीवाल है, इसके बीच में आपका ये फैन बॉक्स डाला गया है, इस फैन बॉक्स के चारों बगल जो चारों चौहद्दी है ना, एक वहाँ पे और एक वहाँ, यानी चारों डायरेक्शन में क्या डाली गई है आपकी बल्ब, ये बल्ब की बॉक्स डाली गई है और ये आपकी फैन बॉक्स डाली गई है। चूँकि देखिए एक पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे डाल दिया गया है, यहाँ से केबिल आएगा और यहाँ पे ये फैन बॉक्स में आएगा और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चूँकि देखिए क्या होता है कभी आदमी इधर सोता है कभी उधर सोता है, तो इसलिए क्या किए हैं ये अच्छा इलेक्ट्रिकल जानकार थे, तो ये आ करके यहाँ से भी ये पॉइंट डाल दिए हैं कि इधर से भी आ जाएगा, क्या पता कभी ये जाम हो जाए या प्रॉब्लम कर दे तो उधर स्पीयर में आपका केबल रह सकता है, तो इसीलिए दोबारे डाल दिए हैं। बाकी आपका फैन बॉक्स हो गया और ये चार क्या हो गई आपके बल्ब वाली हो गई, ऐसे ही पूरी छत बनाई गई है। अच्छा आइए थोड़ा आपको हम स्पीयर के बारे में समझाते हैं। देखिए ये आपकी स्टेयर लगी पड़ी है, ये आपकी 3 फीट की है, इसकी भी सेंटर से सेंटर 6 इंच कर दिए हैं, ठीक है 6 इंच पे रख दिए हैं, क्योंकि ये जो नीचे की बार गई है ना, जो मेन बार, ये नीचे की बार हमको यहाँ पे 12 mm की देनी चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपकी 10 mm की होनी चाहिए, और सेंटर टू सेंटर आप कितना रख सकते हैं 6 इंच रख सकते हैं, 6 इंच यानी मतलब कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, चूँकि इसका जो ढलान है वो कितना रखा जाता है तो इंजीनियरिंग दृष्टि से 25 to 40 degrees centigrade रखी जाती है, जो वहाँ से कोण लिया जाएगा। और ये जो है ये लाइट की सिस्टम है जो यहाँ पे डाली गई है, कुछ भविष्य में यहाँ पानी की भी सिस्टम बैठ सकती है। आज ये छत की ढलाई होने वाली है, तो ये साइड में बनहानी बांध रहे हैं 4 इंच का, कि इसी के लेवल से इसकी छत की ढलाई होगी, बाकी कुछ छत की ढलाई की भी वीडियो हम इसमें एडिट करके डाल देंगे, और जब छत बनेगा तो
स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल सम्राट रेलवे पे। चूँकि पहले हमारे चैनल का नाम सम्राट सीढ़ी या सीढ़ी का फुल फॉर्म सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, चूँकि सम्राट रेलवे क्यों किया हूँ, क्योंकि हमारी पोस्टिंग इस समय रेलवे में हो गई है। चूँकि बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है हमारी, सिग्नल असिस्टेंट पे लगी हुई है। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ कंटिन्यू, और ऐसे एक साइड दिखा रास्ते में जा रहा था तो सोचा एक वीडियो बना के डाल दो। तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।